आप कैसे क्रिकेटर बन सकते हो, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है ढाका सर से, प्लीज़, और बहुत ध्यान से सुनना सब लोगों को, प्लीज़ सर करिए। कोई कितना कहीं वैसे मैच वैच खेलते हो? यस सर। खेलते हो? क्या करते हो मैच में, क्या सोच के जाते हो बैटिंग करने या बॉलिंग करने के लिए? लेकिन दूसरी बात मैं एक चीज बता दूं, यहाँ क्या होता है सबसे मेन पॉइंट में बताया था, कितने लोग कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? 6 महीने में आदमी विराट कोहली बन जाता है। एक क्रिकेटर को बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, कम से कम 7 साल। 7 साल में उसको पता चलता है कि बॉल अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है, स्विंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बैटिंग वो क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 साल लगते हैं कोच को किसी को प्लेयर को बनाने में, या 6 महीने में बाल कटा के आदमी विराट कोहली बन जाता है। सबसे बड़ी कमी यही है, 1 साल आपको प्रैक्टिस करते हुए नहीं होता, कह रहे गुरु को कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे पता है। सारे टीचर बन जाते हैं, सारे कोच बन जाते हैं, सीखना किसी को नहीं होता। यहाँ से 1 साल के अंदर आप सारे जो ना कह रहे मुझे सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा है, सब चले जाओ। मेनली ये है कि मेहनत जो है ना, जितने भी प्लेयर हैं, कोई सी प्लेयर ऐसा नहीं है। अभी सूर्य कुमार अब आया, 10 साल से तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है टॉप मोस्ट में, और 7-8 साल उसने पहले जो ना वो प्लेयर बनने के लिए आया हुआ। लेकिन क्या है कि आज ही आप प्रैक्टिस करने लग जाओ, आप में से जो एक महीना हुआ ना वो 360 डिग्री में मारने की कोशिश करेगा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत काम करना पड़ता है आदमी को। अगर मैं चाहूँ ना, मैं इन स्विंग बॉलर हूँ, अंदर बॉल को लाता हूँ, मैं या इस उम्र में कोशिश करने लग जाऊँ बाहर निकाल लूँगा मैं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई बुमराह नहीं बन सकता, समय नहीं बन सकता। बनने के लिए टाइम लगता है, 10 साल 15 साल तक करने के बाद में तब आता है इंडियन टीम में। यहाँ क्या 4 साल प्रैक्टिस करी और करा, अब तो मैं हो गया। 90% फेलियर का कारण यही होता है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते, कंटिन्यूटी हमारे पास होती नहीं है। हम 1 साल 1.5 साल 6 महीने करें, उसके बाद हम दूसरे वे में चले जाते हैं। दूसरा, मैच खेलने जाते हैं, मैच खेलने से पहले मैंने देखा 99% हम लोग जो इंडियन जो है वो इतने आलसी होते हैं, कोई भी वार्म अप नहीं करता। उससे क्या होता है, आप लोगों को इंजरी आती है। 99% प्लेयर इसलिए ख़राब हो जाता है कि वो इंजर्ड हो जाता है। 99% बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, बहुत अच्छा उसके पास गेम होता है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड क्यों होता है? बिना वार्म अप के खेलता है, खेलने के बाद फिर आके लेट जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि खेलने के बाद भी एक जो है ना स्लो वार्म अप होना चाहिए कि आप भी धीरे 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 अपनी बॉडी को ठंडा करें, लेकिन हम क्या करेंगे आके बैठ जाएंगे, ये सारी स्टिफनेस आ जाती है, सब कुछ जकड़ जाता है। फिर अगले दिन आएंगे चला नहीं जा रहा है, मुझे तो ये सब कट गया, ये हो गया, क्योंकि हम ना तो वार्म अप करते हैं ना आके मैच के बाद भी हम जो है ना कोई ऐसा कुछ नहीं करते। तो सबसे अच्छा ये है कि आप लोग पहले आके वार्म अप, तो मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आज कल भाई जो ना आके सबको वार्म अप करा रहा है, वार्म अप कराने के बाद खेलना स्टार्ट करो। और असली गेम तब है कि जब बिल्कुल थक जाओ तब अपने गेम पे लगो, क्योंकि आप वहाँ चार अभी तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप लगे हुए नेट पे लगे हुए। जब आप मैच में जाओगे 10 रन लेने के बाद ऐसे ये लगेंगे फेफड़े बाहर आ गए हमारे, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ रनिंग नहीं होती, मैच में रनिंग होती है, दिखता है कि वो थ्रो करने वाला और मुझे भागना है। 20 ओवर के मैच के बाद में आदमी घर जाके सोता है, कुछ कर नहीं पाता, और यहाँ 10 ओवर 20 ओवर खेल लो कुछ नहीं फर्क पड़ता कि बेटा टाइम दो अपने आप को, पहले सोचो मुझे करना क्या। दूसरी बात ये है, इतने सारे लोग हैं, सारे तो इंडियन टीम में नहीं आओगे, सारे रणजी प्लेयर नहीं बनोगे, सारे लीग नहीं खेलोगे, लेकिन क्या है कि गेम स्पिरिट एक ऐसी है कि आप लोग पूरी ज़िंदगी में गलत चीज़ों में नहीं पड़ोगे। अगर अपने शौक के लिए भी खेलोगे ना तो फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, गलत चीज़ों में नहीं पड़ोगे, गेम की तरफ ध्यान रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, लोग कोई चोरी करने लगता है, कोई इधर उधर भागने लगता है, वो सब चीज़ें छूट जाएगी, बॉडी फिट रहेगी। पता आपको हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? हमारा शरीर। मैं कितना ही पैसा कमा लूँ, अगर ये ख़राब हो गया ना, उसके बाद वर्मा जी ने झेला है, उसके बाद जितना पूंजी कमाई सारी उसमें लग जाती है, फिर हम ऐसे कैसे। तो कमाई पे, इन चीज़ों पे ध्यान से बढ़िया, सबसे पहले अपनी फिजिक, जितने आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे सबसे बढ़िया वो। ओके, ये थे बॉयज हमारे ढाका सर, जो कि खेल परिसर के बहुत रेनाउंड गवर्नमेंट सर्वेंट है,
एक्सरसाइजेज जो सेंट्रल एक्सरसाइज होते हैं उसके अंदर बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और ढाका सर जो है बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो हम लोगों के अंपायर हैं, मिस्टर अनिल चौधरी उनके ब्रदर हैं ये। और इस तरीके से जो तुम लोगों को समझाया आज इन्होंने, अगर 1% भी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था जब दिलबाग सर बोले, जगदीश सर बोले, तब भी मैंने आपको एक बोला था कि 1% भी आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप शायद उस लेवल के क्रिकेटर बन सकते हो जो ढाका सर जो आप सब लोगों में देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा और अच्छे से इसको अपने अपने जो क्रिकेट का कैरियर है या स्पोर्ट्स कैरियर है या पढ़ाई का भी जो कैरियर है या अदर सोशल कैरियर है उसके अंदर आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ढाका सर को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया और हम लोगों को 3 टिप्स दी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।